हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ डाइकिन की तरफ से 5-स्टार डेट टर्न एसी के लिए, जो कि मैंने परचेज़ करा है अमेज़ॉन से। तो इसका परचेज़ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये बेसिकली अनबॉक्सिंग वीडियो और इंस्टॉलेशन वीडियो है एसी डाइकिन, जो कि 5-स्टार और डेट टर्न है। तो ये एसी का आउटर है, आप देख सकते हैं। तो ओपन करते सामने से ऐसा ग्रिल मिल जाता है, इस पर R32 और इन्वर्टर मैंशनड है, और ये कॉपर कॉइलिंग के साथ में आता है। तो इसको आगे हम इंस्टॉलेशन पे आते हैं, तो फिर आगे मैं आपको इसके बारे में दिखाऊंगा। एक बार इंडोर यूनिट देख लेते हैं। तो अब इंडोर यूनिट को ओपन करने लगे हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसको ओपन करते कैसी लुक मिलती है और क्या इसमें शो होता है। तो जैसे ही ये कार्डबोर्ड का बॉक्स साइड किया है, तो वाइट कलर का इंडोर यूनिट है। डबल फ्लैप्स के साथ आपको ये इंडोर यूनिट मिलता है। यहाँ पे डाइकिन की ब्रांडिंग मेंशन है। यहाँ पे 5-स्टार का स्टिकर और इन्वर्टर आप देख सकते हैं, इतना इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ये लेता है, और ये पूरी डिटेल्स इसमें मेंशन है। और ये इन्वर्टर एसी है। एक न्यू एडिशन हुआ है इस मॉडल के अंदर, यहाँ पे एक डिस्प्ले दे दी गई है, पहले डिस्प्ले नहीं होती थी। और ये ऑन ऑफ का नॉर्मल बटन, ये टाइमर का बटन, और ये नॉर्मल पावर का इंडिकेटर। तो जो आउटडोर यूनिट था उसके साथ मेरे को ये दो पाइप्स रिसीव हुए हैं, जो कि कॉपर पाइप्स हैं। हमारा इंडोर यूनिट जो है वो इंस्टॉल हो रहा है, पाइप के कनेक्शंस हो गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस बाकी हैं। ये अभी इंडोर यूनिट का जो अपर वाला पार्ट है उसको हमने रिमूव करा है इंस्टॉलेशन के लिए। तो ये डाइकिन की तरफ से इंस्टॉलेशन प्रोवाइड की जा रही है, जो कि चार्जेबल होती है। तो ये है इसका अपर कवर। तो इंस्टॉल होने के बाद आपको मैं एक बारी शो करता हूँ इसको। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने ये भी अमेज़ॉन से परचेज़ करी थी, ये बेसिकली बर्ड स्पाइक्स होते हैं, इसको आप डबल टेप लगा के इसको यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। तो ये भी अवेलेबल होते हैं अमेज़ॉन के अंदर, इसका भी परचेस लिंक मैं आपको दे दूंगा। और ये आपके एसी को बहुत प्रोटेक्टिव रखते हैं और गंद नहीं मचता आपके एसी के ऊपर। जैसे अगर आपके रीजन में बहुत ज़्यादा पिजन्स है, या फिर बहुत ज़्यादा मतलब गंद मचाने वाले पक्षी हैं, या फिर आप कह सकते हो कि अगर मॉन्कीज़ वगैरह भी हैं, तो ये उन चीज़ से प्रोटेक्टेड रहता है, वो आके इस पर नहीं बैठते ये लगाने से। तो इसको कैसे फिक्स करते हैं, इसमें आपको बिल्कुल गैप नहीं देना ऊपर, ताकि बिल्कुल भी जगह ना बचे। अगर आप गैप दे देंगे तो पिजन आके बैठ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको बिल्कुल एज से लगाएं, जैसे देखो एज से लगाया है और ये बाहर की तरफ जा रहा है, यानी कि ये एरिया कवर कर रहा है। तो मैंने कहीं पर भी स्पेस नहीं छोड़ी जहाँ पर बर्ड आके बैठ सके, ठीक है। तो इसको आपने ऐसे इंस्टॉल करना है। ये पेस्ट कैसे होगा, इसको आप डबल टेप से पेस्ट कर सकते हैं। तो गाइस, हमारा ये एसी इंस्टॉल हो चुका है। तो इंस्टॉल होने के बाद इसका इंडोर यूनिट कुछ इतना बड़ा है, आप देख सकते हैं। एज़ पर दी रूम कॉम्पैक्ट साइज़ है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। एक छोटा सा मतलब एसी लगा हुआ अच्छा लगता है। अगर मैं आपको रूम में इसको थोड़ा दूर से दिखाऊं, तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसी लुक दे रहा है। तो यहाँ पर थोड़ी मेरे को तोड़ी फोड़ी करनी पड़ी, बिकॉज़ ड्रेनेज पाइप का कुछ इशू था, तो वो तो चलो रिपेयर हो जाएगा बाद में। बट इसकी लुक बहुत अच्छी लग रही है। तो इसके साथ मेरे को ये रिमोट मिला है, तो इस रिमोट में काफ़ी सारे न्यू फंक्शंस ऐड हो गए हैं, जैसे कि ड्यू क्लीन डिस्प्ले, बिकॉज डिस्प्ले नया एड ऑन हुआ है, पहले डिस्प्ले नहीं था। मैं आपको डाइकिन का पुराना मॉडल भी दिखाता हूँ, इससे पहले जो मैंने लास्ट ईयर इंस्टॉल किया था, और इस ईयर के मॉडल में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। इसमें मेरे को एक और बहुत अच्छी चीज़ लगी कि इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों स्विंग अवेलेबल हैं। तो हॉरिजॉन्टली स्विंग भी करता है और वर्टिकली स्विंग भी करता है। पावर चिल का भी बटन है, तो इसको मैं आपको एक बारी टर्न ऑन करके दिखाता हूँ एसी को। ये एसी टर्न ऑन हो गया है, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी डिस्प्ले ऑफ होती है। आप इसको ऑन कर सकते हैं रिमोट से, जैसे कि ये जो बटन है डिस्प्ले, इसको प्रेस करके रखेंगे तो पहले ये दिखाएगा
डिग्रीज फेरेनहाइट में, देन इसको आप डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी को प्रेस करके रखेंगे, इससे आप रूम टेम्परेचर भी देख सकते हैं और किस टेम्परेचर पे सेट है वो भी देख सकते हैं। बाकी ये सारे फंक्शन एज इट इज़ सेम है जो पहले डाइकिन में आते थे। तो ऑन होने के बाद ये है बिल्कुल पुराने डाइकिन की तरह ही जैसा पहले मॉडल आता था, बस जो एड ऑन हुआ है वो है ये डिस्प्ले। ये है हमारा इंडोर यूनिट, एक बारी मैं आपको आउटडोर यूनिट भी दिखा देता हूँ इसका। गाइस ये इसका आउटडोर यूनिट है, आप देख सकते हैं 832 मेंशन है, इन्वर्टर एसी है डाइकिन, एंड इसके ऊपर मैंने बर्ड स्पाइक्स का लगाया था वो आप देख सकते हैं, ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो अगर आप मैं इसको कंपेयर करूँ किसी ब्लू स्टार के एसी जो इन्वर्टर एसी है, तो आप इसका साइज़ देखिए, इसका आउटर का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये ब्लू स्टार का है आउटडोर, जो कि ये भी 1.5 टन्स का है, बट इसके साइज़ के अकॉर्डिंगली आप इसका साइज़ देखो कितना मैसिव है, कितना बड़ा है। तो इसका आउटडोर यूनिट का साइज़ बड़ा ही आता है, चाहे आप 1.5 टन लें या 2 टन, तो साइज़ काफ़ी डिफरेंस है एज़ कम्पेयर टू दूसरे एसी से। बस ये देखिए, मैंने इधर डिस्प्ले ऑन करा है इसका, अभी मैंने इसको 24 डिग्रीज पे सेट करा है, तो रिमोट से अगर मैं इसको प्रेस करके रखता हूँ तो ये ऑफ हो गया, देन ऑन होएगा। ये आपको डिग्री फेरेनहाइट में रूम टेम्परेचर दिखा रहा है, ये आ गया रूम टेम्परेचर इन सेल्सियस 29 डिग्री, और अभी जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये 24 पे सेट है, तो इसको प्रेस करके रखा मैंने तो ये 24 पे आ गया। एयर फ्लो की बात करूं तो बहुत अच्छा फ्लो है इस एसी का, ये देखिए मैंने इसका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों स्विंग ऑन कर रखे हैं, तो गाइस आपको ये एसी कैसा लगा, क्या आप इस एसी को परचेज करेंगे, इसके रिगार्डिंग आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आप मन बना रहे हैं इस एसी को परचेज करने का, तो प्लीज़ जो मैं लिंक दे रहा हूँ उससे आप परचेज कर सकते हैं, उससे हमारे चैनल को थोड़ी बहुत सपोर्ट मिल जाएगी। एक बेस्ट चीज़ जो मेरे को लगी जब मैं कंपेयर कर रहा था मार्केट में एसी लेने से पहले, कि ये सबसे ज़्यादा एनर्जी सफिशियंट है एज़ कम्पेयर टू दूसरे 5-स्टार मॉडल्स में। इसका जो ईयरली यूनिट्स कंजम्पशन लिखा हुआ था वो 765 लिखा हुआ था, और बाकी 780 से 800 के बीच में थे 5-स्टार एसी। सो गाइस, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कुछ भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।